ये वीडियो जैसा कि मैंने आपको बताया, हम उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे, लेकिन ओडिशा की एक बेटी अपना रेस्टोरेंट बंद करके रात को निकलती है, कुछ लड़के उसके साथ ईव टीजिंग की बात करते हैं, रोड रेज का मामले की कंप्लेन लेकर वो और उसका मंगेतर जो इंडियन आर्मी में ऑफिसर है वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। उस महिला की ना सिर्फ वहां पर पिटाई की जाती है, बल्कि जो उसने अपना दर्द और त्रासदी पुलिस स्टेशन की बयां करी, वो मैं आपकी जानकारी के लिए सिर शर्म से झुकाकर रिपीट कर देती हूं, क्योंकि इस देश को सुनना चाहिए कि इस देश की बेटियों के साथ पुलिस स्टेशन के अंदर क्या हो रहा है। विभत्स है जो उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा कि उनको पुलिस स्टेशन में हाथ पैर उनके बांध दिए गए, एक महिला पुलिसकर्मी ने यह किया, और उसके बाद एक पुलिस पुरुषकर्मी आता है और वो आकर उनके अंडरगार्मेंट्स को निकाल देता है, उनकी छाती उनके ब्रेस्ट पर किक करता है, और यही नहीं, अपनी खुद के प्राइवेट पार्ट्स को दिखाकर उसने जो शब्द कहे वो मैं नहीं कह सकती हूं यहां पर। यह ओडिशा में हो रहा है, उस ओडिशा में जहां आज भाजपा की सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं। नरेंद्र मोदी 17 तारीख को ओडिशा जाकर महिला सशक्तिकरण की, महिला सुरक्षा की बातें करते हैं, और उसी के कुछ घंटों में पता चलता है कि ओडिशा की इस बेटी के साथ पुलिस स्टेशन में दरिंदगी की गई। दरिंदे सिर्फ सड़कों पर नहीं, बीजेपी की सरकार में पुलिस स्टेशन के अंदर भी है। और यह कोई अबला नारी नहीं थी, ये एक लॉयर है, ये भारतीय सेना के अधिकारी की मंगेतर है, वो भारतीय सेना का अधिकारी जो सिख रेजिमेंट का मेजर है, मैं उनका नाम यहां नहीं बोल रही हूं, सिख रेजिमेंट के एक मेजर की मंगेतर के साथ देश अपना ऋण इस तरह से चुका रहा है। ये वो इंडियन आर्मी ऑफिसर्स होते हैं जो रेगिस्तान की तपती गर्मी और सियाचिन की हाड़ कांपती ठंड में इस देश की सरहद की सुरक्षा करते हैं, और एक कृतज्ञ राष्ट्र उनको इस तरह से इस चीज का इनाम दे रहा है। वो लड़की चिल्लाती रही, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, और उसके बाद भी उसकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आया। और यह असलियत है कि लड़की का असली यौन शोषण ओडिशा के एक पुलिस स्टेशन में उस सरकार के पुलिसकर्मियों द्वारा हुआ जो आज अपने 100 दिन मना रही है।